भारत में ओपेनहाइमर के एक सीन पर छिड़ा विवाद। इंडियन फैंस ने शुरू किया बॉयकॉट। क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म ओपेनहाइमर 21 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म ने एक दिन में ही 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर भारत में शानदार उड़ान भरी है। हालांकि रिलीज से पहले और बाद के रिव्यू अच्छे थे, लेकिन फिल्म का एक सीन भारतीय ऑडियंस के गुस्से का कारण बन गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू महाकाव्य भगवद गीता ओपेनहाइमर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन फिल्म में इसके प्लेसमेंट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, हम कोई स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं, बस इतना जान लें कि फिल्म के मुख्य कलाकार सिलियन मर्फी और फ्लोरेंस पुग के बीच एक सेक्स सीक्वेंस है, जहां जीन टैटलॉक फ्लोरेंस पुग सेक्स करते समय ओपेनहाइमर सिलियन मर्फी को भगवद गीता पढ़वाते हैं और इससे भारतीय फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हाल ही में सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से तत्काल आधार पर इसकी जांच करने और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से कोर्ट्स ने भी देखा है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर अक्सर जनता की संस्कृति और नैतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, लेकिन जनता को इससे लड़ना होगा क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को क्रिएटिविटी के नाम पर यह सब बनाने की खुली छूट मिल जाती है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।